हे गाइस, वेलकम टू क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है गाइस कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए होती है। लीडिंग न्यूज़पेपर में से होती है आपके इंडिया के सारे एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग डेली सुबह द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, PIB, PRS जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो कि आपके इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए हो सकते हैं, वो सभी हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपने दोस्तों को शेयर करते होंगे क्लास के बारे में। सुबह के 8:03 हो चुके हैं, क्लास ऑलमोस्ट ऑन टाइम है आज की अपनी। और गुड मॉर्निंग सचिन, नीलम, सोनू, ऋषि, नताशा, चेतन, अमित, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के अंदर। जो है हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं देख लेते हैं। द हिंदू में से अगर मैं बात करूं, कितने आर्टिकल्स हैं आपको टोटल यहाँ पे? 6 आर्टिकल है जो कि देखने को मिलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में से 1 आर्टिकल है, साथ में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी 1 आर्टिकल है, और साथ में जनसत्ता की बात करें तो जनसत्ता में आपको 2 आर्टिकल और PIB PRS से 4 आर्टिकल। तो यानी कि 6 और 6 12, नियर बाय 14-15 आर्टिकल्स है जो कि हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में से कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, सबसे पहले अगर आपने करंट अफेयर बैच ज्वाइन नहीं किया है आपके इंडिया के सभी एग्जाम के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन में कवर करवा रहा हूँ। 3 महीने क्लास होने वाली है, 1200 ज्यादा MCQs भी साथ में आपको अवेलेबल होंगे, और मात्र 499 रुपीज के अंदर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। आपको क्लास 24 ऐप डाउनलोड करनी है, प्रिपरेशन में जाना है, यहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके बाहर आपको 2022-23 का करंट अफेयर आपको देखने को किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं जो कि अपना कोट ऑफ द डे है, जो कि है सक्सेस को लेकर। देखो, सक्सेस जो है अपना सक्सेस है, इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ऐसे दुनिया में कोई भी लोग जो मेहनत में बिलीव रखते हैं, हो सकता है कि उनको 2 साल लगे, हो सकता है 4 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, लेकिन सक्सेस उनको मिलती ही मिलती है। आपके पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत साल तक मेहनत करी अपनी इंडस्ट्री में। आपने देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव जो कि 32 साल में डेब्यू करते हैं, जो कि रिटायरमेंट की उम्र होती है उस जमाने में, लेकिन उन्होंने लगे रहे, मेहनत करते रहे, तो उनको वहां पे वो चीज मिल गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भी ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स है दुनिया में, जो लोग हमेशा लगे रहते हैं उनको आज नहीं तो कल जो है वो सक्सेस मिल ही जाती है। समझ गए? और सबसे अच्छी बात यह है कि सक्सेस उन लोगों के लिए होती ही होती है जो मेहनत में बिलीव करते हैं। कई लोग जो है स्टार्ट करते हैं, छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, छोड़ते हैं, और चीजें जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे में ध्यान रखेंगे। जो भी काम कर रहे हो अपनी पूरी शिद्दत से अपना 100% दे दो उसमें, दिल, जान, जिगर, जो भी आपके पास है ना, वो सिर्फ एक चीज के लिए होनी चाहिए जो कि आपका काम है। बाकी सारी चीजें जो आपका है वो सब अपने आप सॉर्टेड आउट हो जाएगी। अगर आपने अपने काम का ध्यान रखा तो काम आपका बाकी चीजों का ध्यान रख लेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बात करते हैं जो कि है आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करी गई है बिहार के अंदर एक ट्रेजेडी हो गई दोस्तों। आपको मालूम है कि बिहार वैसे तो ड्राई स्टेट है, लेकिन लोग लोकल लेवल के ऊपर बहुत दारू बनाते हैं, बहुत दारू पीते हैं। तो अल्कोहल जो आपके हूज ट्रेजेडी का मतलब होता है, जो ये कच्ची अल्कोहल जो लोग बनाते हैं ना लोकल एरिया के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, लोग मर जाते हैं, तो वो वाला इंसिडेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे नियर बाय 20 से 21 लोगों की डेथ है जो कि हो गई है। कई लोगों की आईसाइट चली गई है ना, तो और काफी जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया हाईवे के ऊपर, तो बहुत जगह पे। अगर 2016 के अंदर ड्राई स्टेट है जो कि ये बिहार बना था, उसके बाद से नियर बाय 200 से भी ज्यादा लोगों की अभी तक है जो कि डेथ हो चुकी है इस तरीके से लोकल अल्कोहल कंजप्शन को लेकर, है ना। और मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि अल्कोहल को बैन करना इज नॉट ए सोल्यूशन, इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं पॉजिटिव होने के कंपेरेटिवली। गुजरात की बात करें या फिर यहाँ पे बात करें, ऐसा नहीं है अल्कोहल नहीं मिलती है, अल्कोहल मिलती है, लोग छुपके करते हैं, गलत काम जो होते हैं फिर वो ज़्यादा महंगी बिकती है, लोकली जो है उसको बनाने की कोशिश होती है जिसकी क्वालिटी का कोई अता पता नहीं होता, है ना। कभी भी आपने शायद कोई सुना होगा कि कोई, है ना, शायद ही कोई सुना होगा कि कोई अच्छी विस्की या कोई पीने के बाद में किसी की डेथ हुई हो। लीवर जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है लीवर तो बहुतों का गया है, लेकिन किसी की जान नहीं जाती है, है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप लोकल लेवल पे प्रोडक्शन करवाते हो ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बहुत राज्यों के अंदर है जो कि देखने को मिलती है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र का मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी इंटरफेथ कपल्स को। यहाँ पे चाइना बॉर्डर टेस्ल को लेकर पार्लियामेंट के अंदर जो कि डिस्कशन किया गया है, हमारे लिए पेज नंबर 5 की न्यूज इंपॉर्टेंट है जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूज है किसको, GI टैग को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है जो कि केरला के लेजेंडरी
जो बायपोर है ना उसको यहाँ पे मिला है। तो ये वुड से बनी हुई होती है, कोई मॉडर्न टेक्निक है जो कि इसको बनाने में काम में नहीं ली जाती है, और इस तरीके का एक पूरा का पूरा घर टाइप है जो कि इसको बनाया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल जो है कोझिकोड़े ने, उन्होंने DI के लिए अप्लाई किया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अप्लाई किया था फेमस बायपोर उरू को, इसको यानी कि ये एक बोट है, एक तरीके का बोट ही है जो कि वुड से बनाई जाती है, सेल करने के भी काम आती है। जो स्किल्ड लोग होते हैं वहां के लोकल लोग जो होते हैं वो इसको बनाते हैं, है ना, कई सारे कारपेंटर आर्टिसन जो लोकल लेवल पे केरला के हैं वो लोग इसको फॉर्मेशन में काम करते हैं। ऑलराइट, तो GI इंडिकेशन किसको मिलता है, कौन इसको करता है, क्या बेनिफिट होते हैं वो सब भी देख लेते हैं। इनफैक्ट इस वाली बोर्ड को ही नहीं, और भी कुछ हमारे ऐसे और भी है, जैसे कि आसाम का गमोसा है, लद्दाख का एप्रिकोट है, इनको भी GI टैग है जो कि रिसेंटली मिला है। तो पेपर में पूछते हैं आपसे, है ना, तंदूर रेड ग्राम है तेलंगाना का, एप्रिकोट वैरायटी है लद्दाख की, तो इनको भी GI टैग है जो कि रिसेंटली मिला है। कई सारे और भी प्रोडक्ट है, अभी टोटल मिला के हमारे देश में कितने GI टैग प्रोडक्ट है जो कि हो चुके हैं, तो वो 432 है जो कि हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला कौन सा था, आपका दार्जिलिंग की टी वाला था। ऑलराइट, 5 स्टेट जहां पे मैक्सिमम GI टैग आपको देखने को मिलेंगे वो है कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर है UP, फोर्थ पर है ठीक है केरला, ये चार है। ऑलराइट, ये चार है जो कि मैक्सिमम GI टैग आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। अब GI टैग के बारे में बात करें तो ये इंडिकेशन होता है जहां पे कोई भी गुड अगर माल, कोई भी गुड्स अगर किसी चीज पे बना, किसी जगह पे बनाया जाता है, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं दार्जिलिंग टी का। अब दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग में बनेगी, उसी को ही हम लोग दार्जिलिंग टी के नाम से बेच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में बना लो उसको, है ना, कोई भी टी बना ली और उसको दार्जिलिंग टी के नाम पे बेचने लग गए, ऐसा नहीं कर सकते हो, समझ गए। तो GI टैग का यही बेनिफिट होता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, लोकल प्रोडक्ट होता है, उसको काफी ज्यादा अपलिफ्टमेंट मिलता है, उसका नाम, उसका पहचान, वहां पे बिजनेस, ये सब चीजें जो है वहां पे प्रमोट होती है, समझ गए। अब इसको GI टैग मिल गया तो ऐसी बोट जो है ना वो केरला के नाम पे कोई और नहीं बना पाएगा, ये केरला के जो लोकल आर्टिसन लोग हैं वही इसको बनाएंगे, समझ गए मेरी बात। तो यहां पे आप देख सकते हो इंडिकेशन होता है, ये आइडेंटिटी होती है गुड्स की, जिसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आपको किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में देखने को मिलते हैं, समझ गए मेरी बात। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट जो है 1999 के अंदर आया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है और प्रोटेक्शन दी जाती है कोई भी गुड्स की इंडिया के अंदर। ऑलराइट, चलिए, इसको WTO के द्वारा गवर्न किया जाता है, WTO के जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ना, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो WTO का है उसके तहत इसको आर्टिकल 1 जो है और जो 10 है पेरिस कन्वेंशन के तहत उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है, अरे भाई किसी ने दिमाग से तो बनाया है उस चीज को भी, तो अगर दार्जिलिंग के अंदर अगर मान लीजिए टी उगरी और बहुत फेमस है तो किस वहां पे लोगों ने उसके ऊपर मेहनत करी है, है ना। तो कोई भी एग्रीकल्चर नेचर या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट हो, इंडस्ट्रियल गुड हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों GI टैग है जो कि दिया जाता है 10 साल के लिए दोस्तों, ये GI टैग है जो कि मिलता है, उसके बाद में आपको रिन्यू है जो कि करवाने के लिए डालना पड़ता है। अगर एक बार किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिल जाए तो कोई और कंपनी उसको सेल सिमिलर आइटम को उस नाम से नहीं कर सकती, इसको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, अनऑथराइज्ड यूज है जो कि इसका कोई नहीं कर सकता, है ना। इससे एक और अच्छा बेनिफिट होता है कि लोगों को अगर GI टैग और अगर लोकल कंपनी उसको दे रही है तो लोगों को पता है कि ये बिल्कुल जेन्युइन है ना, इसके अंदर कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, तो कस्टमर के लिए भी कंफर्ट होता है, ऑथेंटिसिटी जो प्रोडक्ट है वो बेहतर मिलती है, प्रमोट करने में भी आपको बेहतर मिलता है। जैसे कि बासमती राइस, पाकिस्तान बोलता है कि हमारे वाले को भी रिकॉग्नाइज करो, लेकिन हमारे वाला बासमती राइस रिकॉग्नाइज है इसलिए दुनिया में बहुत फेमस है, बहुत लोग यूरोप तो खैर फैन है एकदम ही बासमती राइस का, है ना। चलिए ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। और इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन कराने का, आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है, उसके बाद में इंक्वायरी होती है प्रीलिम्स, उसके बाद में एग्जामिनेशन होगा उस प्रोडक्ट का पूरा, उसके बाद में प्रोडक्ट के बारे में आपको नोटिस भी दिया जाएगा, आपको पब्लिकेशन करना पड़ेगा कुछ एक जर्नल में, अपोजिशन अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए भी एक बार टाइम दिया जाएगा, उसके बाद में आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन है जो कि उस प्रोडक्ट को लेकर होता है, समझ गए मेरी बात। चलिए ठीक है, और अगर कोई फेमस GI टैग के बारे में अगर आपसे पूछे तो जैसे कि बासमती राइस हो गया, मैसूर का सिल्क हो गया, है ना, चंदेरी फैब्रिक हो गया, शॉल हो गया, कांगड़ा की टी हो गई, तंजावुर की पेंटिंग हो गई, अपना कश्मीर का जो केसर है, ये सारे के सारे चीजें जो है वो पूरी दुनिया भर में बहुत फेमस है।
आगे बात करते हैं पेज नंबर 10। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एसटी कम्युनिटी को लेकर। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि राज्यसभा ने क्लियर कर दिया है बिल, जिसके अंदर गोंड कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, एसटी लिस्ट में जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं यूपी के अंदर। तो राज्यसभा ने दोस्तों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो सेकंड अमेंडमेंट बिल है उसके अंदर मूव किया। गोंड कम्युनिटी जो कि देश में ट्राइबल बेल्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में मानी जाती है और उसको जो है एससी से एसटी लिस्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है, है ना। और ये कहां पर, ये यूपी के अंदर किया गया है अभी, जैसे कि चंदौली है, कुशीनगर है, संत कबीर नगर है, रविदास नगर है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना उत्तर प्रदेश के, इन वाले एरिया के अंदर है जो कि एसटी कम्युनिटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। समझ गए मेरी बात। और मैं आपको कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था मैंने कि अगर एसटी लिस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं तो काफी बेनिफिट मिलते हैं, काफी सारे रिजर्वेशन प्रोटेक्शन है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जॉब्स में, बहुत जगह पे होता है, तो वो सारे बेनिफिट्स हैं। अब आप देख सकते हो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं ट्राइबल बेल्ट की या ट्राइबल कम्युनिटीज की, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये खासी है, खासी लोग आपको बंगाल पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे, है ना, और आपको थोड़ा बहुत यूपी में भी मिलेंगे और जम्मू एंड कश्मीर में भी, बहुत ही कम, लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन है। भील की बात करें, भील आपको राजस्थान एमपी वाले एरिया में आपको मिलेंगे, उसी प्रकार से गाड़ी है, गाड़ी आपको हिमाचल में मिलेंगे, है ना। ये सारे के सारे बहुत ही फेमस ट्राइब्स है जो कि अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इस जरावाज, ये देखिए, ये बहुत ही फेमस है, सेंटिनल जरावाज, ये कहां पर है, आपके अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में। अब इंडिया के अंदर टोटल अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि काफी पॉपुलेशन है, 8.6% टोटल पॉपुलेशन हमारी आज भी ट्राइबल है, तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब कितना हो गया, 1 करोड़ से भी ऊपर का नंबर हो गया आज के टाइम पे। मैक्सिमम आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, इस वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। लिटरेसी रेट दोस्तों ट्राइबल बेल्ट में बहुत कम होता है, मालन्यूट्रिशन की समस्या होती है, है ना। और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इसके अंदर देखने को मिलती है वो 40 लाख लोगों की 1 करोड़ में से तो आपको गोंड कम्युनिटी की ही मिलती है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट जो है वो अंडमानीज है, जो कि 100 से भी कम आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मली जो गोंड स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो कई सारी लैंग्वेजेस बोलती है, डिपेंड्स अपॉन कि कौन से एरिया में है, मराठी, हिंदी, उड़िया, कई जगह पे, है ना। और सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो है तेलुगु लैंग्वेज, उनसे भी उनका कम्युनिकेशन है जो कि काफी टाइम पहले रहा है, बहुत ही पहले, मतलब 12th सेंचुरी से जो है ये कम्युनिटी है जो कि देखने को मिल रही है। आज के टाइम सेंसस के हिसाब से 2011 के हिसाब से 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। और अलग अलग प्रकार के जैसे कि हिल मारिया है ना, बिसोन हॉर्न है, मूरिया है, ऐसे कई इनके भी अंदर कैटेगराइजेशन है जो कि देखने को मिलता है। ये जो मेजर 3 है ये आपको छत्तीसगढ़ वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, ओके। जैसे हिल मारिया है ये आपको देखने को मिलेंगे, और उसी प्रकार से बाइसन हॉर्न है ये आपको छत्तीसगढ़ वाले में मिलेंगे। तो ऐसे कई प्रकार के इनके भी अंदर अंदर वाले जो सब ट्राइबल कम्युनिटीज है वो आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ द रीजन के अंदर है जो कि देखने को मिलेगी। ऑलराइट, चलिए यहां पे सुजीत बोल रहा है कि डिसाइपल है वो लाउडस्पीकर कर मेंटली, हाँ सुजीत पुलिस कंप्लेन कर लो अगर कोई बहुत बिन बात ही लाउड स्पीकर चला रहा है, दिन रात ही एक ही काम कर रहा है, तो कंप्लेन करो यार, मतलब एक बार नहीं 5 बार करोगे तो अपने आप जो है बंद करवा दिया जाएगा, क्यों लोड ले रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 11 की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो कि है नंबर ऑफ जर्नलिस्ट। एक रिपोर्ट है जो कि आई है रिसेंटली, सीपीजे रिपोर्ट है जो कि इसको नाम दिया गया है। सीपीजे रिपोर्ट का मतलब क्या है, ये कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, सीपीजे कमिटी, जो सीपीजे जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है प्रेस फ्रीडम पूरी दुनिया में, समझ गए। तो इसका पूरा नाम भी है ये कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, तो उसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जिसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जो पूरी दुनिया में जो अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे थे उनमें काफी लोगों को जो है वो जेल में डाला गया है, और ये नंबर ओवर द ईयर बढ़ता ही जा रहा है। अगर अभी फिलहाल बात करें तो 363 रिपोर्टर जो है उनको फ्रीडम डिटेन फ्रीडम जो है से डिप्राइव कर दिया गया, अगर 1 दिसंबर 2022 तक बात करें तो ये रिपोर्ट जो कि यहाँ पे देखी गई है, लास्ट ईयर से 20% नंबर जो है वो क्या है, ये ज्यादा है। मतलब आपको मालूम है कि बहुत कंट्रीज में ऐसा होता है कि कोई भी कुछ भी जर्नलिस्ट अगर मान लीजिए कोई भी रियलिटी बता दे, कोई डाटा बता दे सरकार के खिलाफ, तो तुरंत अंदर हो जाता है ना। ऐसा मैक्सिमम देखने को मिला है कहाँ पे, ईरान में, चाइना, म्यांमार, टर्की एंड बेलारूस के अंदर, ये 5 कंट्री में मैक्सिमम जर्नलिस्ट जो है वो आज के टाइम पे जेल के अंदर है। हमारे यहाँ पर भी दोस्तों 7 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको जेल में डाला गया, और
पर्टिकुलरली कुछ जम्मू कश्मीर से है और कुछ बाकी एरिया से है, ठीक है गाइस। चलिए, और इसके अंदर ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है जो पब्लिश होती है वो आप सभी को मालूम ही है, जो कि है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको, और ये कब रिलीज होती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये डे जो है वो 3 तारीख को हर साल मनाया जाता है। अभी 20th एडिशन था जहां पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की एक रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स दोस्तों एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूएन के साथ में, यूनेस्को के साथ में, बहुतों के साथ में काम करती है। हमारी जो रैंक रही 2022 की वो क्या रही, 180 में से 150वीं रैंक है जो कि हमारी यहाँ पे रही, ठीक है गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यूएन जनरल असेंबली हुई थी 1993 के अंदर, जहां पर ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि हमें क्या करना चाहिए, प्रेस फ्रीडम के ऊपर बात करना चाहिए। तो 1991 के अंदर एक विंडहॉग डिक्लेरेशन हुआ जिसको यूनेस्को ने भी अडॉप्ट किया और जहां पर प्रेस के फ्रीडम की बात करी गई। इस बार जो थीम रखी गई थी वो थी जर्नलिज्म अंडर द डिजिटल एज, ये थीम जो कि इस बार रखी गई थी। हर साल जो ये रिपोर्ट है जो कि 2000 के बाद से पब्लिश करी जाती है रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ऑलराइट। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मैंने आपको बताया ना, दुनिया की टॉप एजेंसीज के साथ में काम करते हैं। ये रैंक जो निकालते हैं उसके अंदर कंट्रीज को बताया जाता है, रीजन को बताया जाता है कि कितनी फ्रीडम जर्नलिस्ट को कहां पर अवेलेबल है। ये क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म की नहीं है एक्चुअली में रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है वो आपके फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट की बात करती है। जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी जब तक क्वालिटी कैसे मिलेगी, जब तक आप किसी को फ्रीडम ही नहीं दोगे तो फिर वो बेचारा क्वालिटी कैसे देगा आपने अच्छी जर्नलिज्म के अंदर। तो लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो रिपोर्टेड विदाउट बॉर्डर जो रिपोर्ट इंडेक्स पब्लिश करते हैं ना, इट इज नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म, इट इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, कि कितनी फ्रीडम जो है उनको मिली हुई है। और रैंकिंग होती है इसमें 0 से 100 तक के नंबर्स होते हैं। अगर 100 के पास में नंबर है तो बेस्ट है, अगर 0 के पास में है तो कम है, है ना। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है कि 5 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर देखा जाता है कि एक तो पॉलिटिकली कॉन्टेस्ट में कितनी फ्रीडम है, लीगल फ्रेमवर्क में, इकोनॉमिक में, सोशियो कल्चर में, और सेफ्टी कितनी है। तो इन 5 क्राइटेरियाज के हिसाब से क्या होता है कि आपको रैंकिंग है जो कि अवेलेबल होती है। दुनिया में जो बेस्ट रैंकर है वो है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, है ना, और नॉर्थ कोरिया जो है वो पूरी दुनिया में बॉटम पे है। रशिया का भी नंबर 155 के ऊपर है, रशिया से ज्यादा दूर नहीं है हम, हमारी 150 है और रशिया की 155 है, नॉर्थ कोरिया लास्ट में 180। चलिए आगे बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया खतरनाक ही लेवल है नॉर्थ कोरिया का यार, इसको मतलब ही नहीं दुनिया से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैंने बताया था ना पहले भी आपको कि वहां पे इंटरनेट भी एक्सेसिबल नहीं है। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वहीं पर ही आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है, बाकी जगह तो अंधेरा ही रहता है। हर घर के अंदर वहां के जो ये जो वहां के रूल, जो एक तरीके से डिक्टेटर है किम जोंग, हाँ, तो किम जोंग की जो है वो फोटो रहना बहुत जरूरी है। कैलेंडर अपने हिसाब से 5 जो वहाँ पे हेयर स्टाइल उनके द्वारा अप्रूव है उसी में से हेयर स्टाइल आपको करनी पड़ेगी। जींस अलाउ नहीं है क्योंकि जींस उनको लगता है कि ये अमेरिका का ओरिजिन है। और इंटरनेट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल काम में लेते हैं, उसके अलावा कोई काम में जो है वहाँ पे नहीं लेता, बहुत ही ना के बराबर है। यानी कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ये वहाँ के लोगों को नाम मात्र का ही पता है, मतलब उनको लगता है जैसे वो जी रहे हैं वैसे पूरी दुनिया भी ऐसे जी रही होगी, क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं है एक्चुअली के अंदर। टीवी के अंदर भी सिर्फ वही सीरियल्स आते हैं जो उनके द्वारा अलाउ कर रखे हैं और वही चैनल्स आते हैं जो उनके द्वारा अप्रूव कर रखे हैं, और वो उन्हीं के चैनल हैं जहाँ पे उन्हीं के ही लीडर जो है उनको भगवान बताया जाता है, उनको बोलते हैं कि अवतार है एक तरीके से। चलिए, जाने का मन है मेरा वैसे नॉर्थ कोरिया, मैंने पता भी किया था, वहाँ पे वीडियोस बनाना भी अलाउ नहीं है, मतलब आप हर जगह पे वीडियोस नहीं बना सकते हो, जेल हो जाती है तुरंत ही। अगर जाने का तरीका जो है वो चाइना से ही, चाइना जाओ, चाइना जाके नॉर्थ कोरिया की एक ट्रैवल एजेंसी हायर करो और वही ट्रैवल एजेंसी आपको नॉर्थ कोरिया घुमाएगी। वहाँ पे ऐसा है कि आप खुद जाके नहीं घूम सकते हो, जैसे इंडिया में आया था ना कोई भी, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है बंदा, ऐसा नहीं है। आपको एजेंसी के साथ में ही वही लोग हैं जो कि आपको पूरा ट्रैवल करवाएंगे और फिर भी बॉर्डर पे छोड़ जाएंगे, ठीक है भाई टाटा बाय बाय। चलिए, हो सका तो किसी दिन आपको रियल वीडियोज भी अवेलेबल करवा देंगे। चलो, तो नेपाल की बात करें तो नेपाल ने बहुत अच्छी रैंकिंग में इजाफा किया है, 30 पॉइंट है जो कि ऊपर चला गया, 76 पे पहुंच गया।
पाकिस्तान 157 है, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162, म्यांमार 176, चाइना की 175 है। तो ये कंट्री हमारे से ऊपर है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका छोटे कंट्रीज, और ये जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये हमसे नीचे है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 13, यहाँ पे बात करेंगे यूएस मिलिट्री ने क्रिएट किया है कि स्पेस यूनिट कहाँ पे, साउथ कोरिया के अंदर, और यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं चाइना में कोविड के, वापस से ये लोग बूस्टर डोज दे रहे हैं, लेकिन अभी तक अभी भी यहाँ पे दिल्ली के 22,000 केसेस है जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है इनके यहाँ पे कोविड का सिस्टम। चलो यहाँ पे जापान के बारे में भी बात करेंगे, जापान भी अपने मेजर डिफेंस पॉलिसी के अंदर बदलाव है जो कि लेके आ रहा है। जापान देखो, एक जापान भी एक ऐसा कंट्री है जो कि बिल्कुल घिरा हुआ है एकदम दुश्मनों से, मौका ढूंढ रहे हैं लोग कि कब जापान के ऊपर, जापान के आइलैंड से जो कि कब्जे में ले ले। जापान की भी समस्या ये जैसे कि इंडिया की समस्या है, वही जापान की भी समस्या है, आसपास जो है वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। हमारे यहाँ पे भी सारे के सारे वही कंट्रीज है जिनको डेवलपमेंट से कोई ले वो नहीं है, मतलब शांति वाले कंट्री नहीं है। एक तरफ रिफ्यूजी क्राइसिस बांग्लादेश के, एक तरफ श्रीलंका के अपने क्राइसिस है, पाकिस्तान की अपनी समस्या है, और चाइना जो है उसको कोई पीस से लेना देना ही नहीं है, उसको बस अपना बॉर्डर बढ़ानी है, उसको पता नहीं अलग ही उसका चलता रहता है, तो कोई पीसफुल कंट्रीज नहीं है। उसी प्रकार से जापान की भी सेम समस्या है, एक तो नॉर्थ कोरिया आ गया वहाँ पे, एक चाइना आ गया और एक रशिया आ गया, तीनों ही समस्या है। 4,000 से ज्यादा आइलैंड है जापान के, लेकिन बहुत सारे आइलैंड के ऊपर रशिया से डिस्प्यूट है, कहीं पर नॉर्थ कोरिया से, कहीं पर चाइना से। आए दिन आजकल नॉर्थ कोरिया वाले जापान के आसपास के आइलैंड के आसपास मिसाइल फेंकते रहते हैं। तो अब जापान ने भी अपना जो मेजर डिफेंस पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव करने के लिए बोला है। पहले ये अपने टोटल बजट का जीडीपी का 1% के आसपास खर्चा किया करते थे, अभी इसको बढ़ा के 2% कर रहे हैं जीडीपी का, है ना, $46 बिलियन के आसपास का खर्चा करते हैं, हम लोग करते हैं $50 बिलियन के आसपास का। ओके, तो काफी नियर बाय बजट है हमारा इनके साथ में। तो अभी बिगेस्ट डिफेंस ओवरऑल है जो कि पिछले 10 सालों के अंदर कर रहा है, मिलिट्री बजट को बढ़ा रहा है ताकि जो थ्रेट है दोस्तों चाइना से, इसके अलावा आसपास के जो भी कंट्रीज हैं उन सबसे उसको टैकल कर सके। 2027 तक जीडीपी का 2% तक ये डिफेंस स्पेंडिंग है जो कि बढ़ा रहा है, और नाटो के जो मेंबर्स हैं उनके बराबर डिफेंस है जो कि लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। हमारे और जापान के भी कई सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होती है, जिमेक्स हो गया नेवल, सीमयू मैत्री होता है एयरफोर्स का, धर्मगार्जन आर्मी का, इसके अलावा कॉट कंट्रीज में भी, मिलान में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारे मालाबार के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, डिफेंस के अंदर हमारे कई सारे इनके साथ में अच्छे एक्सरसाइज जो कि होती रहती है। इसके अलावा जापान ने दोस्तों अपने नई फाइटर प्लेन्स भी जो है वो डेवलप करने के लिए स्टार्ट कर दिया है 2 साल पहले, मतलब नियर बाय $1.5 बिलियन के अंदर दोस्तों ये FX नाम के दुनिया के सबसे लेटेस्ट और सबसे खतरनाक फाइटर जेट है जो कि बना रहे हैं ये लोग। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री जो है जापान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है, उसके साथ में मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कुरिल आइलैंड्स है। देखो जापान का भी एक वक्त था, जापान और चाइना में उल्टा हो गया है। जापान एक जमाने में जब चाहता था किसी पे भी अटैक करके उसका एरिया ले लिया करता था, मतलब रशिया का भी लिया है, चाइना का भी लिया। चाइना का तो ऐसा था जापान जब चाहे जब जाके अटैक करके, चलो ठीक है ना, बहुत ज्यादा हरेस किया चाइना को तो पूरी दुनिया ने, तो जापान भी उसमें से एक था। लेकिन अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद उल्टा हो चुका है, अब रशिया और चाइना जो है वो जापान को ऊपर जो है वो हावी हो जाते हैं। जापान ने अपनी कोई खुद की आर्मी नहीं बना रखी है, वो बोलता है कि मैं आर्मी नहीं बनाऊंगा, हमारी खुद की डिफेंस फोर्सेस बोलता है वो, उसको आर्मी नहीं बोलता, डिफेंस फोर्सेस बोलता है। दूसरा, इन्होंने जो है वो न्यूक्लियर वेपन और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की भी मना कर रखा है अपने संविधान में, और इसी वजह से अमेरिका जो है वो उसको गारंटी करता है उसकी सेफ्टी की, मतलब न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल के उसके लिए। तो अब जो है हो सकता है कि जापान इसके ऊपर वापस से सोचे और उसके अंदर चेंजेस करने को लेकर काम करे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रीटी है जो कि कुरिल आइलैंड को लेकर रशिया के साथ में हुई है। 1855 में शिमोदा करके ट्रीटी हुई थी, तो उस टाइम पे देखो जापान के पास में ये आइलैंड आ गए थे, कुरिल आइलैंड। 75 में ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग हुई, तो इसमें भी कई सारे कुरिल आइलैंड जो है ना जापान के बीच वाले जो लाइन्स है, छोटे छोटे आइलैंड है, तो ये सारे के सारे जापान के पास में थे, और रशिया को कुछ एरिया है जो कि एक्सचेंज किया गया उसके साथ। 1905 के अंदर रशिया जापानीज वॉर हुई और जिसके अंदर रशिया को हार का सामना करना पड़ा। जापान ने दोस्तों कई सारे आसपास के आइलैंड है जो कि कब्जे में ले लिए। 45 के अंदर दोस्तों सोवियत यूनियन ने जापान के अंदर वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद में पूरे के पूरे कुरिल चेन को जो है वो अपने कब्जे में कर लिया। 51 के अंदर ट्रीटी हुई जिसके अंदर जापान और कई सारी पावर्स के बीच में, जहां पे जापान ने वापस से क्लेम करे लेकिन ये क्लेम जो उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया, समझ गए।
56 के अंदर रशिया और जापान के वापस से रिलेशनशिप ठीक ठाक हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और बातचीत के द्वारा इस मुद्दे को सुलझाने की बात है जो कि करी गई, और कुल मिला के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान को काफी नुकसान हुआ। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे यूएस आप देख सकते हो, साउथ कोरिया के भी सेम समस्या है, नॉर्थ कोरिया एक तरफ, चाइना, दोनों कंट्रीज। तो इसी वजह से यूएस की मिलिट्री जो है उन्होंने फॉर्मली लॉन्च किया एक स्पेस फोर्स यूनिट साउथ कोरिया में। आपको मालूम है कि यूएस अपनी पांचवी फोर्स बना चुका है, स्पेस फोर्स बनाई है कि कल को अगर कोई भी बात होती है, युद्ध होता है, तो सैटेलाइट्स जो है ना वो दूसरे कंट्री के जैम कर दिए जाए, उनके उनको उससे कोई हेल्प नहीं मिले। मतलब अगर आपने स्पेस कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट कर दिया अगर किसी कंट्री का, तो आप युद्ध में 50% तो वैसे जीत गए, समझ गए। इसीलिए स्पेस फोर्स है जो कि यूएस ने बनाई है ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरीके से कुछ भी उनके साथ नहीं कर सके और वो किसी के साथ में भी कर सके। तो उसी के तहत साउथ कोरिया के अंदर भी इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी यूनिट है जो कि बनाई है, बहुत जगह पे ये अपनी यूनिट बना रहे हैं स्पेस फोर्स की। साउथ कोरिया उसमें से वन ऑफ द कंट्री है। तो यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया को मॉनिटर करने के लिए दोस्तों ये बनाई है ना। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेस स्टेशन है जो कि अमेरिका जो है वो साउथ कोरिया के अंदर बना रहा है। तो यूनिट जो है वो यूएस की स्पेस फोर्स से बिलोंग करती है जो कि 2019 के अंदर ट्रंप के टाइम पे इनके द्वारा लॉन्च करी गई थी 70 साल के अंदर। और ठीक है, चलिए, स्पेस के अंदर जो भी सिविलियन या मिलिट्री नेविगेशन है, इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन है, उन सबको जो है ये प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेगा। प्रीवियस पेंटागन की रिपोर्ट आई थी, चाइना और रशिया जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं कि वो आने वाले टाइम पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अमेरिका के सैटेलाइट्स को। इसी वजह से इन्होंने जो है जल्दी से एक्शन लेते हुए अमेरिका ने खुद की स्पेस फोर्स है जो कि डेवलप करी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 14। यहां पे बात करेंगे किसके बारे में, यहां पे 15 साल का एक प्लेयर है दोस्तों जिसको आईपीएल के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या है, तो हमें जो है वो क्रूड ऑयल रशियन $60 पर बैरल से भी कम प्राइस के ऊपर मिलेगा। मतलब इतना लिमिट भी जो है वो लगाया था अभी, आपको मालूम है यूरोपियन यूनियन ने कि इससे ज्यादा नहीं खरीदना, लेकिन इंडिया को और भी सस्ते में मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। चलो आगे बात करते हैं, जो कि अफगानिस्तान के एक प्लेयर है मोहम्मद गजनफार नाम से, तो 15 साल के ऑफ स्पिनर है और आईपीएल के अंदर जो है इनको कोची के अंदर ऑक्शन के अंदर रजिस्टर है जो कि किया गया है। ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर है जो कि ऑक्शन के अंदर है। बिग बैश में भी इन्होंने रजिस्टर किया था लेकिन वहां पर किसी ने खरीदा नहीं, इंक्लूड नहीं किया था, अभी आईपीएल में इंक्लूड किया है। अभी कौन लेगा नहीं लेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। 20 लाख रुपए का बेस प्राइस है जो कि रखा गया है। 15 साल के स्पिनर है, रंगीएस्ट वन है जिन्होंने ऑक्शन में रजिस्टर किया है। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो साइबर अटैक जो एम्स के ऊपर हुए थे पता चल गए, कहां से ओरिजिन हुआ है, चाइना से ओरिजिन हुआ है, पेशेंट का डेटा को रिस्टोर कर लिया गया है, लेकिन किसने किया है, कौन सी एजेंसी ने किया है, यह अभी तक हमें नहीं पता लगा है। यहां पर आप देख सकते हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है जो कि कल क्रोएशिया को अर्जेंटीना ने 3-0 से हरा दिया और फाइनल में जो है वो चला गया है। मुझे लगता है मैंने कल परसों बताया था कि फाइनल मैच हो सकता है फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में हो, अभी फ्रांस और मोरक्को का मैच है, देखते हैं उसमें से कौन जीतेगा। यहाँ पर तो अर्जेंटीना ने कल क्रोएशिया को बहुत ही मतलब बहुत ही इजिली जो है वो बाईपास कर बहुत ही इजिली पास कर दिया। ये अर्जेंटीना के फैंस है जो कि रोडों के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं इनकी कैपिटल के अंदर, टीम विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए, है ना कद, और पूरा देश जो है वो रोड के ऊपर है, जैसे हमारे यहाँ पे क्रिकेट है वैसे दुनिया में फुटबॉल माना जाता है। चलिए अभी जैसा कि आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली हमारे अभी बॉर्डर पे अरुणाचल के ऊपर जो है वो लड़ाई हुई है, उससे पहले गलवान में हुई थी, चाइना के साथ में इतना मिलिट्री का जो है वो चल रहा है, लेकिन इवन दो हम लोग हमारे जो बिजनेस है वो चाइना के साथ में बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि चाइना के साथ में ट्रेड को कम करना चाहिए, जब इतने प्रॉब्लम है हमें और हमें पता है कि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो हमें खुद की इंडस्ट्री को मजबूत करने की जरूरत है, चाइना से इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सेल्फ लैंड बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, हम लोग चाइनीज सामान को वो करते हैं, क्या बोलते हैं, बहिष्कार करने की बात करते हैं, बायकॉट करने की। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट खुद इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है, अगर आप देखोगे तो $100 बिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस है जो कि चाइना के साथ में हो चुका है और ये इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है, मतलब गलवान के बाद में भी बढ़ गया है अगर आप देखोगे तो। ये इंपोर्ट है तो ये देखिए 97 के बाद से बढ़ता 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 और अभी देखो एकदम से कितना ऊपर आइस है, तो $94 बिलियन का इंपोर्ट करवाया हमने, ठीक है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट मात्र $21 बिलियन का है, 21 यानी कि हम लोगों ने नियर बाय $70 बिलियन का घाटा है जो कि हम लोग चाइना के साथ में बिजनेस करने को लेकर हो रहे हैं।
यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सेकंड नंबर पे दोस्तों चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 21-22 के अंदर इंडिया चाइना का बायलेटरल ट्रेड दोस्तों 115 बिलियन डॉलर का है, जो कि रहा 21-22 के अंदर, बात कर रहा हूं, समझ गए, 115, और ये पिछली बार से 11% ज्यादा था, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो वही चीज यहां पे बताई गई है, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, तो ये इंपोर्ट है, पोस्ट गलवान के बाद में इंपोर्ट देखिए बढ़ता जा रहा है, उसके बाद में भी सबसे ज्यादा हम लोग 12% यूएस के साथ में ट्रेड करते हैं, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे यूएई है, चौथे पे सऊदी है, उसके बाद में इराक, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया 3.5%, फिर कोरिया के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और 50% अदर्स। इस तरीके से हमारा ये ट्रेड है जो कि चलता है। मैक्सिमम जो चाइना से हमने सामान लिए हैं वो लिए इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, ये तीन चीजें जो कि मैक्सिमम हमने चाइना से ली है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि है आपके बेनिफिशियरीज को लेकर, फ्री हेल्थ कवर को लेकर। देखो होना तो ये चाहिए कि फ्री हेल्थ कवर जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो जो गरीब स्टेट्स हैं उनको बेनिफिट मिले, लेकिन हो उल्टा रहा है कि जो इकोनॉमिकली थोड़े बहुत बेटर स्टेट्स हैं वो ज्यादा फायदा उठा रहे हैं कंपैरेटिवली यूपी बिहार के। यहाँ पे आप देखिए कि बताया गया कि जो तमिलनाडु और केरला है ना, ये टॉप बेनिफिशियरीज है फ्री हेल्थ कवर के, और झारखंड, बिहार, ये इस बेनिफिट को नहीं उठा पा रहे। अब इसका कारण क्या है? कारण है अवेयरनेस, स्टेट गवर्नमेंट की जागरूकता और वहां के सिटीजन को जागरूक करवाना, ठीक है, और एजुकेशन, तो ये मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से बेनिफिट मिल रहा है लेकिन उसके बाद में भी लोग बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। अभी मेरे पास कितने लोगों के जो है वो अभी भी मैसेज आते हैं फंडिंग के लिए, क्राउड फंडिंग के लिए, हेल्थ केयर के, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि सबको पता है कि भाई अगर आप मान लीजिए पॉवर्टी के अंदर हो, अगर आपकी इतनी इनकम नहीं है, अगर आप लोअर मिडिल क्लास सेक्शन में हो, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कराओ अपना एनरोलमेंट यार। 5 लाख रुपए सालाना बहुत होते हैं, कल को कोई भी बात हो गई, कोई भी बीमारी हो गई तो आपको हेल्प मिलेगी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी योजना है। स्टेट के पास में भी, राजस्थान में चिरंजीवी योजना चलती है, हर स्टेट की भी अपनी एक योजना होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजना है, तो इसके अंदर एनरोलमेंट करवा लेना चाहिए अगर लगता है कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गूगल पे जाके देखोगे मिल जाएंगे वहां पे, समझ गए, बहुत ही छोटी सी बात है। चलिए ठीक है, अभी किसी फिल्म स्टार का बच्चा हो जाए और उसको कोई नाम रख दे तो ये तो सबको पता है कि उस बच्चे का नाम क्या है ना, लेकिन कोई अच्छी योजना अगर है और जिसका बेनिफिट मिल सकता है वो लोग फायदा नहीं उठा रहे। तो यहाँ पे आप देखिए तमिलनाडु ने मैक्सिमम बेनिफिट उठाया, उसके बाद केरला, तीसरे नंबर पर राजस्थान है, कर्नाटक, गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार है, जबकि बिहार को, झारखंड को, यूपी को, उनमें से इनको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहिए, ठीक है। तो यही बात है जो कि इस पूरे आर्टिकल के अंदर कवर करी गई है। आपसे पेपर में यही पूछेंगे, 2018 में ये योजना को लॉन्च किया गया था, 4 करोड़ बेनिफिशियरीज है पूरे कंट्री में जिनको फ्री हॉस्पिटलाइजेशन है, जो कि मिल गया है 48,000 करोड़ का अभी तक, है ना। नियर बाय 2000 ऐसे प्रोसीजर है जो कि अवेलेबल है बेनिफिट के लिए। कैशलेस ट्रीटमेंट है जो कि होता है, कोई कैश जमा नहीं करवाना होता, इसमें कॉस्ट आपके ट्रीटमेंट की, मेडिसिन की, सप्लाई, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फिजिशियन फीस, रूम चार्ज, सर्जन चार्ज, ओटी, आईसीयू चार्ज, ये सारे के सारे चार्जेस है जो कि इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं, समझ गए मेरी बात। PMJAY जन आरोग्य योजना वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंश्योरेंस योजना है और करंटली 40% जो देश की पॉपुलेशन है उसको कवर करता है। जो लोग डिप्राइव्ड है, जिनके पास में ऑक्यूपेशनल कोई काम नहीं है, है ना, क्राइटेरिया जो है वो रूरल और अर्बन का दोनों का थोड़ा अलग अलग है, लेकिन अगर कोई कवर हो रहा है तो बहुत बेनिफिट मिलेगा उसको, ठीक है गाइस। चलिए यहां पे देखिए 50 लाख लोग ही है जो कि बिहार के हैं, कितने 5 लाख लोग बिहार के जिनको हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट है जो कि मिला है, जबकि बिहार की एवरेज पर कैपिटा इनकम 50,000 रुपए के आसपास है, सिर्फ 50,000 रुपए पर पर्सन पर ईयर, तमिलनाडु से 80% कम है बिहार की अगर मैं पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करूं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि जनसत्ता का, यहाँ पे आप देख सकते हो मैसी ने कल यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, एक गोल भी किया। यहाँ पे रघुराम राजन जो कि एक्स आरबीआई गवर्नर भारत जोड़ो यात्रा में, ठीक, इसके अलावा नमामि गंगे के बारे में बात करेंगे, और कल भी दिल्ली के अंदर भी एक ये एसिड अटैक का इंसिडेंट है जो कि देखने को मिला है ना, ये बिहार का है यहाँ पे, तो ये कुछ क्रिमिनल चीजें जो कि यहाँ पे बताई गई है। आगे बात करते हैं नमामि गंगे परियोजना को, अभी आपको मालूम ही है कि अभी कनाडा के अंदर क्या हो रहा है, एक बायोडाइवर्सिटी समिट है जो कि हो रहा है, वहां पे जो टॉप 10 ऐसी योजनाएं हैं जो कि रिवर के ऊपर काम कर रही है उसके अंदर नमामि गंगे को भी इंक्लूड है जो कि किया गया है। तो यूएन ने जो है इस परियोजना को काफी सहारा है, परियोजना को संयुक्त राष्ट्र से परामर्श और वित्त पोषण भी दिया जाएगा,
ठीक है गाइस, तो रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जो अपनी गंगा नदी है, जहां पे हमारी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी नदियां देश के लिए, नदियों के पास में शहर इसीलिए तो बसा करते थे पहले जमाने में, क्योंकि नदियों से बहुत बेनिफिट मिलता है, वो नदियों गंदी हो रही है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आसपास का जितना भी मैदानी इलाका है ना, उसको सुधारने के लिए, रिवर को पॉल्यूशन कम करने के लिए इस योजना को लॉन्च है जो कि किया गया था। ठीक है, तो COP15 की जो मीटिंग हो रही है मॉन्ट्रियल में, उसके अंदर इसके बारे में डिस्कशन है जो कि किया गया है। ठीक है, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ना, इसको उसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, और इसकी इंप्लीमेंटेशन मिंग नेशनल गंगा काउंसिल है इसके अंदर, जो कि पहले जो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ने उसको रिप्लेस करके बनाई गई थी। 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल के द्वारा फंडेबल है, कभी भी आप काम में ले सकते हो, 300 इसमें प्रोजेक्ट है जो कि चलाए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं जो कि साइबर हमले के अंदर, साइबर अटैक में बात करें तो चाइना यूएसए के बाद दुनिया में तीसरे नंबर का दोस्तों हमारा देश है, जहां पर सबसे ज्यादा आपको साइबर अटैक है जो कि देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये डाटा है जो कि अभी दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है जो कि है सेक्शन 10A ऑफ द डाइवोर्स एक्ट 1869। देखो एक्चुअली क्या है बात कि केरला हाईकोर्ट ने बोला है कि क्या होता है जब डिवोर्स होता है ना किसी भी मैटर में, तो एक साल का टाइम दिया जाता है कि भैया एक साल आज अप्लाई करोगे एक साल बाद मिलेगा, कहीं कहीं जगह पे दो दो साल का प्रावधान है। तो केरला हाईकोर्ट ने बोला है कि यार ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्यों कर रखा है इसको, अगर किसी को इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो दो ना, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप उसको बोल रहे हो प्रॉब्लम आज है और एक साल बाद समाधान करेंगे कोई दो लोग आपस में रह नहीं पा रहे, समझ गए? तो ये थोड़ा अजीब है जो कि केरला कोर्ट ने इसका स्टिपुलेशन करने के लिए बोला है ना। ठीक है, तो हाल ही में केरला हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10A के तहत आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर करने के लिए एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि की शर्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है जो कि करती है, तो एक साल का टाइम ड्यूरेशन को यहां पे मना किया गया है, समझ गए मेरी बात? ये इसको डिस्क्रिमिनेटरी है जो कि बोला गया है, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज में डिफरेंट टाइम स्पैन है जो कि इसमें दे रखा है। ओके, चलिए, तो एक साल का पीरियड है सेक्शन 28(1) स्पेशल मैरिज एक्ट में, उसी प्रकार से हिंदू मैरिज एक्ट और साथ में पारसी मैरिज एक्ट में भी एक साल है, लेकिन इंडियन डाइवोर्स एक्ट की बात करें तो यहां पे 2 साल का टाइम पीरियड है जो कि दे रखा है। तो आपके जो पर्सनल लॉज है वहां पे 1 साल है और वैसे लॉ के अंदर 2 साल है ना। तो यही बोला इन्होंने कि भाई अगर आज किसी को समझता है, दो लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं तो फिर आज रिलीफ दो ना मतलब, और अगर वो चाहते हैं कि थोड़ा आपस में कोऑर्डिनेशन करना तो 1 महीने 2 महीने का टाइम दे दो, वो जज अपने हिसाब से देता है, फिर वो उसके जज की और आपस की बात है। आर्टिकल 8 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट को लेकर डिक्लेरेशन है जो कि किया गया था, उसके अंदर भी दोस्तों फंडामेंटल राइट की बात करी गई है और इसमें भी ये बोला गया है कि ह्यूमन राइट को लेकर रिलीफ है जो कि तुरंत मिलना चाहिए। और 10 दिसंबर को नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है, 1948 के अंदर इसकी शुरुआत है जो कि हुई थी। ऑलराइट, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला, ये आपको मालूम है जिसको रोजगार मेला के नाम से जाना जाता है, हर महीने लगता है, जहां पे कंपनीज और जो लोग जरूरत है जिनको नौकरी, उनको इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती है, ताकि एक बंदे को स्किल मिल जाए, कंपनी वालों को आदमी मिल जाए काम करने के लिए, और एक बंदा वहां पे थोड़ा क्या हो जाए, थोड़ा स्किल भी हो जाए। तो वही ये योजना है एक्चुअली के अंदर, स्किल इंडिया मिशन के तहत इसको लॉन्च है जो कि किया गया है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, स्किल इंडिया को 2015 में लॉन्च किया गया था, ताकि स्किल है जो कि हम लोग हमारे युवाओं की बढ़ा सके, बड़ी तो है नहीं स्किल, लेकिन टिकटॉक विकटॉक और ये मोबाइल फोन के अंदर लग के जो स्किल थी पहले वो और खत्म कर ली, पहले कम से कम जनता इसकी टोपी उसके सर तो कर लेती थी पहले लोग स्ट्रीट स्मार्ट तो बनते थे, लोग बाहर निकलते थे, तो अभी तो बाहर निकलना भी बंद कर दिया है लोगों ने, मोबाइल के अंदर पूरे दिन लगे रहते हैं, 6-7 घंटे एवरेज टाइम जा रहा है, मतलब पता नहीं कौन सा ज्ञान ले रहे हैं और पता नहीं कौन सा ज्ञान से क्या ही बन के निकलेंगे बताए ठीक है चलिए क्या हो गया इसको, हाँ चलो ठीक है, ये तो हो चुका है। आगे बात करते हैं रूरल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, रिसेंटली दोस्तों अभी एक हमारे कई सारे एविडेंसेस मिले जहां पे बताया गया कि गांव के अंदर और जो रूरल एरियाज है ना वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। आर्टिकल 40 में भी ये बात बोली गई है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी बोली गई है प्रमोट करने के लिए, 11th शेड्यूल के अंदर भी दोस्तों पंचायत के बारे में बोला है। तो महात्मा गांधी जी का भी ये कहना था कि गांव को डेवलप करना जरूरी है, गांव बन अगर अच्छे हो गए हमारे
वहां पर लोग खुश हैं, अगर वहां पर नौकरियां हैं तो शहर तो अपने आप ही आगे हो जाएंगे, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। तो अभी रिसेंटली क्या है कि शहरों के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में, आपको बहुत ज्यादा पैसा लगता है और काफी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है। लेकिन जो रूरल एरियाज है वहां पर आप अगर छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो तो ज्यादा इजिली आप जो है वहां पे बेनिफिट उठा सकते हो, हालांकि कुछ प्रॉब्लम वहां पर भी होती है। ऑलराइट, तो वही चीज यहां पे बताई गई। तो स्वराज का मतलब एक्चुअली होता ही यही है, सेल्फ कंट्रोल होना, इकोनॉमी का ध्यान रखना, पॉलिटी सोशल है ना, इन सबका डेवलपमेंट करना, स्वराज का मतलब यही होता है। ठीक है, इसके कारण क्या है, फ्लोर स्पेस आपको ज्यादा मिलेगा है ना, लेबर ज्यादा टाइम तक डिस्प्लेस नहीं होती है, शहरों में तो लेबर भी इधर उधर हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम पड़ेगी, कैपिटल कम चाहिए। ओके, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। कुछ चैलेंजेस क्या है, जैसे कि आपको थोड़ा स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है ना, सप्लाई नहीं मिलती इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजों की, तो ये सब चीजें भी थोड़ी इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो बैलेंस करने की बहुत जरूरत है, टेक्नोलॉजी यूज करना गांव के अंदर भी, थोड़ा लोगों को स्किल करना, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में बात करें तो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है जो कि करवाया जा रहा है। थीम रखी गई है लेवरेजिंग टेकेड फॉर एम्पावरिंग भारत। ओके, गोल क्या है कि एक ऐसा रोड मैप बनाना जहां पे हम लोग क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, इंटरनेट के माध्यम से गवर्नेंस को बेहतर कर सके। ओके, हमारे सिस्टम को बेहतर कर सके। और ये इनिशिएटिव यूएन इंटरनेट गवर्नेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, पूरी दुनिया में इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ग्रुप्स है जो कि इसके अंदर करते रहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पॉपुलेशन के पास मोबाइल फोन बहुत है, इंटरनेट बहुत है ना, मोबाइल फोन तो 100 करोड़ से भी ऊपर पार कर चुके हैं। इंटरनेट यूजर्स की बात करें तो नियर बाय 70-80 करोड़ के आसपास आज के टाइम पे इंटरनेट यूजर है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। 5G भी दोस्तों अभी आ रहा है, 5G भी लॉन्च हो चुका है, तो वो भी बहुत तेजी से पेनिट्रेट करेगा, तो इसलिए होना बहुत जरूरी है इंटरनेट गवर्नेंस। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं 5 वोकैबुलरीज की। नोटवर्दी का मतलब होता है जो बहुत ही कोई ऐसी चीज जिस पे आप ध्यान दे सको, अट्रैक्ट हो सको, उसको कहते हैं नोटवर्दी। डिस्टर्ब्ड का मतलब हर चीज को अस्त व्यस्त कर देना। रैटल बहुत अच्छा वर्ड है, इसमें पेपर में कई बार आता है ना। चलिए, स्विफ्ट का मतलब है तेजी से कोई चीज को चेंज करना। हेस्टी बहुत अच्छा वर्ड है, निम्बल बहुत अच्छा वर्ड है। फ्लैग का मतलब है अब्यूज करना किसी को। ब्रिक बैट अच्छा वर्ड है, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, कुछ भी बोलना। सब्सिक्वेंट का मतलब है इसके बाद, एक के बाद एक चीज है जो कि हो जाना, ठीक है, जो चीज बाद में होती है सब्सिक्वेंटली उसको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर का डिटेल कोर्स स्टार्ट हो चुका है जहां पे मैं आपको 30 टॉपिक्स 3 महीने के अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन में करवा रहा हूँ, कई सारे MCQs भी दूंगा। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया के किसी भी एग्जाम में आपको इसके बाद करंट अफेयर नहीं मिलेगी। ₹499 का है, आपको Class24 ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद में गोल सेलेक्ट कर लीजिए, प्रिपरेशन पे जाइए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। ये स्टार्ट हो चुकी है क्लास, अभी पहली क्लास ही हुई है, 1-2 क्लास ही हुई है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला सवाल देख लेते हैं, किसको, स्वयं को लेकर। स्वयं इनिशिएटिव दोस्तों किससे संबंधित है, स्वयं इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो ये अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन जो है वो देने को लेकर संबंधित है। और एंडेंजर्ड स्पीशीज से कौन से एनिमल देखने को मिलेंगे, खैर ये तो क्वेश्चन आज का नहीं है, तो खैर इसको है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मग है ना, रेड पांडा, एशियन एशियाटिक एस, ये सब आपको ध्यान रखने, कुछ नाम है जो कि हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये 2-3 नाम आपको पेपर में पूछते हैं। टूल किट के बारे में बताना है, जिस जेंडर रेस्पॉन्सिव जो है टूल किट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। फोर्थ है आपको वेस्ट से ईस्ट में आपको लोकेशन बतानी है, वेस्ट से ईस्ट में गलवान है या कौन सा है, सबसे पहले तो गलवान ही आएगा, फिर शिपकिला आएगा, फिर 12 होती है और लास्ट में तवांग, तो 1-2-3-4 हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए 1-2-3-4 है ना। चलिए आगे बात करते हैं, फ्यूजन और फिजन के बीच में तो फर्क आपको मालूम ही है, ठीक है, फ्यूजन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है कंपैरेटिवली फिजन के। जीएसटी काउंसिल को कौन हेड करता है, जीएसटी काउंसिल को हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर। जीआई टैग के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा जीआई टैग स्टेटस है जो कि मिला था, बहुत पुराना 2015 के अंदर सिविल सर्विसेज में ये सवाल है जो कि आया था। तिरुपति के लड्डू भी है, बनारस की साड़ी भी है, ओके, तो 1 एंड 3 आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसमें आपको बताना है कि G7
और G8 में कौन सा कंट्री इंक्लूडेड है? G7 और G8 में कौन सा एक कंट्री है जो कि G7 में इंक्लूड नहीं है, 8 के अंदर है? कल ही पढ़ाया था मैंने इसके बारे में और मैंने बताया था कि रशिया है, तो रशिया आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।